तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया? जी मैं भी अच्छा हूँ और आ चुके एक और नए ब्लॉग के साथ वापस। तो गाइस यार, आज के ब्लॉग में यार क्या करना है देखते हैं। अभी तो फिलहाल उठ के यार जस्ट मैं आया हूँ ऊपर, हाथ मुँह धुल के, वो तो दिख ही रहा होगा भाई। तो देखते हैं यार आज के ब्लॉग में क्या करना है। अभी यार मैं जा रहा हूँ खेत पे, क्योंकि सुबह सुबह पापा गए थे खेत पे और वो बीजा फैला दिया है। अभी यार जाके मुझे जुताना है खेत को, और फिर उसके बाद यार क्योंकि आसपास वाले खेत सब बब गए हैं तो भाई ट्रैक्टर निकालने में दिक्कत हो जाएगी, तो अभी जाके यार जुताना पड़ेगा। क्योंकि यार मेरा खेत है ना बीच में पड़ता है, रोड के किनारे है नहीं, तो दिक्कत होती है यार भाई ट्रैक्टर निकालने, क्योंकि आसपास के अगर वो बब जाते हैं तो फिर बड़ा यार मुश्किल हो जाता है। पहले से पहले काम करना पड़ता है जल्दी जल्दी यार, इसीलिए इतनी जल्दी उस दिन पूरा दिन करना पड़ा था, धनिया एकदम जल्दी खाली करना पड़ा था खेत। तो अभी जाके यार बीजा तो फैला डला है पूरे खेत में, बस जाके जुटाना है। यार रास्ता बतानी थी कि ट्रैक्टर कहाँ से लेके जाना है, वो मैं बता के यार आ गया हूँ। और अभी यार खेत नहीं जुतेगा, क्योंकि अभी यार उनको जिनका ट्रैक्टर है ना हमारे गली के यहीं सामने घर पे रहते हैं, मतलब मेरे घर के सामने रहते हैं, तो अभी यार उनको टाइम नहीं, क्योंकि अभी उनके खेत पे काम होना है थोड़ा, तो वो काम करके उसके बाद जोतेंगे आके। तो अभी तो यार मैं जा रहा हूँ वापस घर। मैंने रास्ता उनको बता दिया कि कैसी निकालना है ट्रैक्टर, क्योंकि यार चारों तरफ खेत में ना जहाँ पे मेरा खेत है उसके चारों तरफ यार खेत में कुछ ना कुछ है। इधर की साइड यार उसमें पानी भरा है और एक और खेत वहाँ पे भी पानी भरा है, तो मैं एक रास्ता बताया हूँ वहाँ से, वो लेके चले जाएंगे। अभी देखो कितनी देर में जब उनका काम हो जाएगा तब आएंगे वो, तब जोत देंगे। बाकी बीज तो फैला ही पड़ा है। तो यार खेत से तो आ गया हूँ घर पे, और पूरे घर पे भी यार फिर से आज फैला दी गई यार धनिया। तो अभी यार नहा लेता हूँ, क्योंकि यार देखते हैं फिर यार आज संडे, वैसे तो अगर देखो यार बाज़ार जाना होगा, कुछ लाना है अगर तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर अगर कुछ लाना ही नहीं है तो फिर जाना ही नहीं पड़ेगा, पूछते हैं देखो। तो भाई यार अभी मैंने नहा लिया है और खाना भी हो गया है। और गाइस यार हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं काफ़ी टाइम हो गया है जब मैं वृंदावन घूमने गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो वृंदावन मैंने ट्रैवल किया था जितने दिन, मैं शायद एक दिन ही रुका था वहाँ पर, तो उसका मैं स्टोरी टेलिंग वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो तो बताना यार, मैं लेके आऊँगा। मैं वैसे सोच रहा था लेने, मतलब वीडियो के लिए सोच रहा था कि स्टोरी टाइम वाली वीडियो बनाऊँ बढ़िया सी, तो आप लोगों को यार वो देखने में मज़ा भी आएगा और पता भी चलेगा हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, क्या किया था। हालांकि ब्लॉग तो आया था, बट ब्लॉग में जो भी आपने देखा है बस समझ नहीं पाए होगे कहाँ पे क्या हुआ है, तो वो चीज़ मैं सोच रहा था कि स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो लेके आऊँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो फिलहाल तो यार अभी धूप वगैरह हो गई है काफ़ी सारी, एकदम दोपहर का टाइम है, तो चलो यार थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, कोई अगर होगा तो यार रुकेंगे, नहीं तो भाग के आ जाएंगे, मतलब घर पे बैठेंगे रूम पे, और क्या कुछ तो काम है नहीं अभी, तो बस यही धनिया वनिया सब पड़ी है घर पे, ये तो अभी सुबह फैलानी पड़ती है और शाम को सब समेटनी पड़ेगी, बस इतना ही काम है और कुछ तो है नहीं फिलहाल अभी। और राजपुर का तो यार देखो शायद जाना नहीं है, मेरे को लग तो रहा है क्योंकि पूछा तो बोल रहे नहीं जाना है, कुछ काम है नहीं, क्योंकि अभी अब काम नहीं तो क्या ही करेंगे जाके फालतू में, तो चलो यार बाहर घूम के आते हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना लगे, क्या ही कड़क कड़क धूप निकली है। तो भाई यार अभी आ गया ना मैं घर पे, एक बज गया है, अभी तक बाहर ही था जब मैं अभी नहा धो के बाहर गया, तब से बाहर ही हूँ। और अभी मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत नींद मार लूँ, क्योंकि यार गांव इतना ज़्यादा है, पर फिलहाल बाहर यार बंगला एक बना है वहीं पे सब बैठे थे तो वहीं पे बैठा रहा थोड़ी देर। यार जब मैं घर पे जाता हूँ उसके बाद यार मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो जाता हूँ। अभी यार जस्ट उठा हूँ और उठ के यार अभी बाहर आया हूँ, तो मैंने कहा यार चलो घास ही लेके आते हैं। तो अभी यार 4 बज गए समझ गए, और लेकिन यार मौसम देख के लग नहीं रहा है कि 4 बजे, ये लग रहा है भाई 1 बजे, दोपहर जैसी दिख रही है, और इतनी ज़्यादा दोपहर है यहाँ पर बगिया के पास में रुका, तो मैंने कहा चलो यार यहीं से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो यार चलो यार अभी तो यार घास काटनी जाके, मैंने सोचा और थोड़ी यार छाई हो जाए भाई, वो हो ही नहीं रही, इतना ज़्यादा धूप निकलती है, समझ नहीं आता कब दोपहर है कब शाम हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो यार ऐसी धूप तो बनी रहेगी, जाके लेके आते हैं यार, क्योंकि यार अभी यार खेत पर जाना है, पानी भी लगा है तो लाइट आ रही है, अभी दूसरों के खेत में लगा है, उनका जब भर जाएगा फिर अपने में नंबर लगेगा, तो देखते हैं यार। इसीलिए मैं अभी लेने जा रहा हूँ घास, क्योंकि घास लेके फिर वहाँ पर अगर फ़ोन आ गया तो जाना पड़ेगा इसलिए। भाई यार कितने भी टाइम आओ, दोपहर में भले ही चाहे दोपहर में आओ, खेत पे आपको कोई ना कोई मिलेगा, क्योंकि यार ये इनका आतंक इतना ज़्यादा है जानवरों का कि भाई अगर अपने खेतों पे नहीं देखोगे आके, भाई यहाँ पे कंदी किसने काट दी, कम से
से कम गड्ढा भर तो दिया करो यार पानी लगाने के बाद। देख रहे हो वो वहाँ पे देख रहे हो भगाए जा रहे हैं भाई यार, अगर एक दिन नहीं देखोगे ना एक दिन तो समझ लो आपका खेत पानी खत्म उसकी। भाई ये सब देख रहे हो इतना झुंड है, अगर एक साथ एक खेत में घुस गए तो सोचो भाई उस खेत का होगा क्या। और देख रहे हो चारों तरफ अब मशीनें चलने लग गई हैं, वो हार्वेस्टर चल रहा है सामने, और यहाँ पर पूरा चारों तरफ अब खेत देखो या तो जुते दिखेंगे या तो सब पके दिख रहेंगे। मतलब अभी हालांकि ये गेहूं कटने लायक हुए नहीं है क्योंकि गेहूं तो बिल्कुल जब पक जाएगा तभी काटा जाता है। देखो और भाई हवा भी बड़ी तेज़ चलने लगी अभी अभी, हालांकि इतनी तेज़ नहीं चलती, मिट्टी तो नहीं उड़ती है, कुछ टाइम में मिट्टी भी उड़ने लगेगी भाई देखते जाओ। अभी तो आंधी तूफान आना बाकी है भाई, अभी तो आपने ठंड देखी हमारे यहाँ की, अभी आंधी तूफान देखना बाकी है, वो भी दिखाएंगे। भाई यार अपना काम तो हो गया है, मैंने घास काट ली है, और भाई यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा हरे गेहूँ मेरे ही खेत में दिख रहे हैं, बाकी सारे खेत देख रहे हो सूख गए बिल्कुल। तो अभी ना भाई यार घास उठाते हैं और चलते हैं यार घर। भाई यार घास लेके तो आ गया था घर पे, और अभी ना अपनी गाय को पानी पिलाने आया था, तो मैंने कहा चाऊ चाऊ को भी पिला देता हूँ, वैसे तो वो पीती नहीं आज, तो भाई देख रहो बहुत देर से भाई पिया पी खंगी है, हट ही नहीं रही है, पीती जा रही है। पास में जाओ तो भाई भाग जाती है दूर, इसलिए दूर खड़ा हूँ तब पी रही है, पास में जाओगे तो वो हट जाती है यार, पता नहीं छूने नहीं देती है भाई किसी को। भाई यार अपने लाइफ का एक और दिन ढल चुका है, और अभी मैं जा रहा हूँ यार दूध देने के लिए डेयरी पे। टाइम यार हो गया है समथिंग 7 बज गया, तो यार प्रोग्राम भी चालू हो गया है, देख रहा हो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में आवाज़, यानी कि जो जबारे बबे हुए हैं ना वहाँ पे प्रोग्राम चलता है ना नाइट को, नाइट पार्टी भाई, नाइट सेलिब्रेशन बोलते, मैंने आपको शायद कल के ब्लॉग में दिखाया था लास्ट में एंड में। भाई यार दूध दे के आ गया हूँ घर पे, और इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में वापस, तब तक के लिए आर्टी केयर एंड